चलो ही। हाँ अभी फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, रेडियस ऑफ द सर्कल। फिगर तो उन्होंने दी नहीं है ना, अब ही दिखाना है। रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर वो दिया है। चलो ठीक है, रेडियस सेंटर वो दिया, और क्या क्या दिया है? 41 है, रेडियस वो 41, कोई पॉइंट 41 कैसे होगा? स्टार्टिंग से पढ़ो, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 41, रेडियस कितना है? 41। हाँ, लेंथ ऑफ द कॉर्ड PQ, कॉर्ड का नाम दिया है क्या है? PQ, और सेंटर का नाम भी दिया है O। फिर फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, बताओ सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस बताओ, कैसा निकालना पड़ेगा? परपेंडिकुलर। रेडियस निकालने की कौन सी? OP, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, PQ इज द हाइपोटेनस। PQ क्या है? PQ कॉर्ड, क्या है? कॉर्ड। और OP इज द क्या? हाइपोटेनस। OP क्या है? रेडियस। क्या है? रेडियस। और बताओ OM लेट, यानी अपने मन से निकाला, OM परपेंडिकुलर PQ। क्यों सर परपेंडिकुलर क्यों निकाला आपने? वहां पे तो कॉर्ड दिया है और रेडियस, ये आपने जबरदस्ती क्यों निकाला? उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कॉर्ड का डिस्टेंस बताओ बोलते हैं सेंटर से। अब ये कॉर्ड है, इसका इस सेंटर से क्या बताओ बोलते हैं? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमेशा कैसा रहता है? तो निकालना ही पड़ेगा। तो बता आपको क्या क्या दिया पहले वो बताओ, बताओ रेडियस OP कितनी दिए? रेडियस दिए ना आपको, कितनी दिए? 41 यूनिट। और बताओ कॉर्ड PQ कितने का दिया? 80। कॉर्ड PQ 80 यूनिट्स, बराबर है? यानी आपको ये रेडियस पता है 41 और कॉर्ड कितना है? 80। तो आपको क्या पूछा उन्होंने? डिस्टेंस यानी OM पूछा है, बताओ कैसे निकालोगे? पाइथागोरस लगाए, ये इसमें पाइथागोरस OPM। क्या लिखो? इन ट्रायंगल OPM कौन सा एंगल 90 है? पहले लिखना पड़ता है यम एंगल 90, देयरफॉर लिखना पड़ता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मतलब कौन है हाइपोटेनस? OP स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस EM स्क्वायर। चलो OP कितनी है? 41। उसका स्क्वायर OM कितनी है? वो तो निकालना है ना डिस्टेंस। PM कितना है? 80 है। PM 80 है क्या? PM कितना है? PM निकाला चाहिए तो कैसे शुरू किया फिर ये पाइथागोरस? आपके पास वो चीजें तैयार नहीं है तो आप कार्यक्रम कैसे शुरू कर सकते हैं? पहले तो सब अरेंजमेंट करनी पड़ती है ना, तब हम शुरू कर सकते हैं ना। आपने तो PM निकाला नहीं और पाइथागोरस लगाना शुरू कर दिया, तो पहले पाइथागोरस के लिए 3 में से 2 चीजें तैयार चाहिए। जैसे इसमें पाइथागोरस लगाना है OP पता है रेडियस है, PM आपको पता ही नहीं, तो आप कैसे पाइथागोरस शुरू करो? पहले PM तो निकालो। तो बताओ PM कितनी है? कैसे क्या क्यू PQ की हाफ क्यू होगी? वो कल से वही थ्योरम पढ़ रहे कौन सा क्या बताया कि जब भी सेंटर से क्या रहता है परपेंडिकुलर, वो क्या करता है कॉर्ड को थ्योरम लिखते हैं ना तभी तो वो हाफ होता है ना। तो बताओ क्या थ्योरम है वो? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर सबको बोलना है ना, बोलो सेंटर कॉर्ड को क्या करता है? बताओ आपको क्या चाहिए? PM ना, बोलो PM कितनी होगी? ये कॉर्ड को बाइसेक्ट हो गया वो, PM कितनी होगी? PQ के हाफ, यानी वो जो PQ है उसके वो हाफ हो गई। PQ कितना है? 80/2 कितना? 40। हाँ तो PM हो गई 40 हो गई, और तब शुरू करो ये पाइथागोरस। शुरू करें तो बताओ इन ट्रायंगल, ये मैंने रफ फिगर निकाली अलग से, इन ट्रायंगल OPM 90 और OP पाइथागोरस थ्योरम
हाइपोटेनियस को अकेले लिखना, बाकी दोनों को चुनो। ओपी पता है, ओएम नहीं पता, लेकिन पीएम कितना है? 41 बता, 41 का स्क्वायर 1681 इंटू कितना होगा? 1681। इसका स्क्वायर इतना, 40 का स्क्वायर इतना, फिर नंबर एक जगह चाहिए, इसको लेके जाए, इसको इधर, कितना होता है? 16। को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लेना, ये भी स्क्वायर रूट और ये भी डिस्टेंस कितना है कॉर्ड का? 9। अरे ये 9 है ना, इसका मतलब कॉर्ड सेंटर से कितना दूरी पर है? 9 है। तो जैसा मेंशन है वैसे लिखना, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड PQ फ्रॉम द सेंटर वो इज 9। बोलो मेरे साथ, क्या बोलो? डिस्टेंस बोलो ना, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड PQ फ्रॉम द सेंटर इज 9। ये 9 क्या है? सेंटर और कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस। बोलो क्या? डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड PQ फ्रॉम सेंटर इज 9 यूनिट्स। कितना है वो? 9 डिस्टेंस ऑफ, जैसा वहां पे वैसा ही लिखा मैंने, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, तो वही लिखा डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड PQ फ्रॉम द सेंटर। तो डिस्टेंस पूछा, इसका मतलब आपको ये पूछा, समझ जाना। अब एक बात बताओ, अगर आपको ये पूछा है तो बाकी दोनों पता होनी चाहिए। रेडियस पता है आपको 41 दी थी उन्होंने, और ये पीएम पता नहीं था, तो पहले पीएम पता करो कैसे, वो बोलो बोलो। सेंटर से परपेंडिकुलर क्वाड को क्या करता है? तो पीएम कितना होगा? PQ के हाफ, 40 हो गया। अब ये परपेंडिकुलर वहां पे नहीं थी, हमें ये करना पड़ेगा, ओएम परपेंडिकुलर PQ लेट, यानी सपोज, ये अपने मन से रखा। चलो करो फटाफट लिखो, दूसरा पढ़ो, लिखते हो कि आगे बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं ना, फोटो काटूंगी, फोटो काटो। शो दैट AP इक्वल टू BQ, ये AP और BQ इक्वल है, ये शो करके बताओ। हाँ अब देखो कैसे शो करेंगे। हाँ देखो, वो बोलते हैं कि ये इन्होंने, हेलो है ना, क्या किया उन्होंने? बड़े सर्कल का क्वाड निकाला। किसका क्वाड निकाला? जब वो बड़े का क्वाड निकालने गए तो अपने आप अंदर वाले सर्कल को उसने इंटरसेक्ट कर दिया, तो अंदर भी क्या बन गया? क्वाड बन गया, छोटे का क्वाड सेंटर सबके लिए है वो। तो बता, वो बोलती है जो AP है ना, ये वाला, ये AP और ये BQ इक्वल शो करो, ये दोनों इक्वल है। सर कैसे दोनों इक्वल होंगे? अपना थ्योरम ये वाला परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, तो वो कंसेप्ट आप दोनों सर्कल के लिए लगाओ, क्योंकि दोनों का सेंटर वही है। तो पहले हम क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, बराबर है क्या? OM, तो क्या लिखते हैं? O इज द सेंटर ऑफ बोथ द सर्कल, दोनों सर्कल का है ना, सर्कल नहीं बोथ द सर्कल, दोनों सर्कल बराबर है, पावर सेंटर हो दोनों सर्कल का। हाँ अब बताओ, आपने OM परपेंडिकुलर निकालिए, तो एक काम करते हैं, पहले हम छोटा सर्कल लेते हैं। बताओ छोटा सर्कल, छोटे सर्कल का क्वाड, छोटे सर्कल का क्वाड कौन सा है? PQ। तो अब बताओ नंबर वन सर्कल,
इन द कौन से सर्कल में सॉल्व करते पहले स्मॉल पहले लिख दो इन द स्मॉलर सर्कल अब बताओ सिर्फ छोटी की फिगर निकाली हमने छोटे का एक ऑर्डर बताओ कौन किस पर परपेंडिकुलर है ओ एम किस पर परपेंडिकुलर पी क्यू बराबर बताओ इससे क्या होता है परपेंडिकुलर होने से सेंटेंस लिखना पड़ेगा ना क्या लिखोगे क्या बराबर बताओ बाइसेप्ट हो गया यानी क्या हो गया तीन बातें होती है ये जो पीएम और एम क्यू क्या होते हैं इक्वल बाइसेप्ट हो गया दोनों इक्वल हो गए या फिर हम ऐसा भी लिख सकते कि ये जो पीएम है ये बड़े वाले के क्या है या फिर बड़ा वाला कैसा है इनके डबल छोटा वाला बड़े के डबल या बड़ा वाला छोटे के सॉरी सॉरी छोटा वाला बड़े के हाफ या बड़ा वाला छोटे के डबल या फिर ये दोनों इक्वल पीएम और एम क्यू इक्वल हम इसमें से एक कंसेप्ट देने वाले ये वाला कि ये बाइसेक्ट हो गया यानी पीएम और एम क्यू दोनों इक्वल है इसको मैं नंबर वन दे देता हूँ अब देखो पीएम और एम क्यू दोनों इक्वल है क्योंकि परपेंडिकुलर है ना बाइसेक्ट करता है ना क्वाड को तो पीएम और एम क्यू इक्वल होते हैं चलो दूसरा सर्कल लेते हैं ये इन द लार्जर सर्कल स्मॉलर सर्कल हो गया अब इन द बताओ लार्जर सर्कल का सेंटर कौन है उसका क्वाड कौन है ए बी और परपेंडिकुलर है यम है ना चलो अब क्या लिखो यहाँ पे इन द लार्जर बोलो कौन है ओ एम परपेंडिकुलर किस पर है ए बी पर बताओ फिर तो बताओ क्या होगा कौन इक्वल होंगे दोनों क्या हो जाएंगे आगे जाने अब कितना सिंपल है देखो ए एम और एम बी इक्वल है बड़े सर्कल के हिसाब से परपेंडिकुलर है ना क्वाड को क्या करता है बाइसेक्ट जितना ए एम उतना एम बी लिखा ना और छोटे को देखो पर सिर्फ छोटे को देखा बताओ परपेंडिकुलर क्वाड को बाइसेक्ट तो जितना पी एम उतना एम बी सर वो भी तो लिखा है लेकिन सर हमें प्रूफ क्या करना है बताया क्या हमें इन दोनों को इक्वल बताना है ए पी और बी क्यू उनको इक्वल बताना है सर वो तो कहीं भी नहीं है अब आएंगे कौन कौन इक्वल है बताओ ए एम इक्वल टू एम बी यहां तक तो आपने कर लिया चलो अब इनका मतलब बताओ मुझे ए एम बताओ ए एम का मतलब फिगर से बताओ बताओ ए एम इकड़े बसना रे तिथे रस्त्यात झालं इथं जागा खाली आहे दोघे जण इकडे दोघे जण इथं बसा बताओ ए एम किस किन दोनों से बनती है डिस्टेंस फॉर्मूला ए एम का फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है ए पी ए एम कैसे बनती है ए पी प्लस पी तो बताओ ए एम की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं ए पी प्लस पी एम मैं यहाँ तक आ चुका हूँ ए एम इक्वल टू एम बी यहाँ तक हो गया ये दोनों इक्वल है सर अब इन दोनों का मतलब लिखो बताओ ए एम का मतलब क्या है ए पी प्लस पी एम है और बताओ एम बी का मतलब क्या है एम बी यानी एम क्यू प्लस एम क्यू प्लस क्यू बी क्यू बी बोलो बी क्यू बोलो एम क्यू बोलो या क्यू एम बोलो चलता है एम क्यू प्लस क्यू बी इसी बनती हो एम क्यू प्लस क्यू बी अब सर ऐसा क्यों बनते हो ये उस दिन ही आपको बताया था जैसे ए सी और डी ए सी है फोर और सी डी है सपोज टू तो बताओ ए डी कितनी होगी बताओ सेंटीमीटर ये फोर है और ये टू है तो बताओ ए डी कितनी होगी सेंटीमीटर सही में हाँ कैसे लिखेंगे उसको उसको ए सी प्लस सी प्लस सी यानी ए सी में सी डी मिलाया तो बताओ पूरा क्या बन गया एडी और वही मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पूछ रहा हूँ बताओ एडी को बताओ एडी को लिखो एडी को कैसे लिखोगे ए सी प्लस वही लिखा ना मैंने बताओ मैं पूछ रहा हूँ ए एम को लिखो ए एम को तो आप ए एम को क्या लिख रहे हैं ए पी प्लस लिखा ना
और एम बी को क्या लिख रहे हैं और ये लिखने का कारण याद रखना ये सब एक लाइन में ये सब क्या है एक लाइन में ए पी एम क्यू बी सब एक लाइन में होने पर ही वैसा होता है पर बताओ इन दोनों का एडिशन इक्वल टू एडी बन गया क्यों पता है क्योंकि ये तीनों एक लाइन में ए डैश सी डैश बी इसका मतलब होता है एक लाइन में एक लाइन में होने पर इन दोनों को टोटल करोगे तो ये बड़ा बनेगा ऐसा तो ए सी प्लस सी डी क्या हो गया ए डी एक लाइन में ऐसे रीजन लिखना पड़ता चलो बताओ सर ये आपने बोला कि एम की वैल्यू को लिख दी अब क्या करेंगे बताओ आपको आधा मिनट देता हूँ सोचने आपको आंसर क्या चाहिए सूर्या क्या बताओ आधा मिनट टाइम स्टार्ट ये शो दैट कैसे यही शो दैट है ना बस आएगा दो स्टेप में आएगा टाइम स्टार्ट आपका टाइम खत्म हो गया ये पीएम और एम क्यू क्या है तुम्हें अभी ये दोनों इक्वल है तो कैंसिल हो जाते कैसे क्या कैंसिल होते ये पीएम इसको पीएम रहने दो और एम क्यू को भी पीएम एच लिख दो कैसे क्या एम क्यू और पीएम कैसे तो पीएम की जगह क्या लिख दो एम क्यू ये पीएम पीएम की जगह क्या लिख दो पीएम क्योंकि दोनों क्या है इक्वल कहाँ से लिखा अब बताओ पीएम पीएम हो गया सर ये कटते कैसे ठीक है बेटा कटते कैसे वो देखो ये इधर लाया तो क्या होगा प्लस का क्या होगा उधर कौन बचेगा बस इसको लाया मैंने इधर तो प्लस का बताओ प्लस पीएम ये एपी और ये क्यूबी तो क्यूबी को क्या लिखते हैं बी हो गया शो इतना सिंपल प्रॉब्लम है बस वो एक कंसेप्ट था कौन सा ये दोनों सर्कल की कॉर्ड है सेंटर वो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करो बस हो गया आंसर आ गया बस वो थ्योरम आपको पता है कि पहले लिखना स्मॉलर सर्कल में ओएम परपेंडिकुलर पीक्यू है थ्योरम क्या परपेंडिकुलर सेंटर बाय सेंटर कॉर्ड यानी पीएम और एमक्यू क्या हो जाएंगे नंबर वन दे लेना उसके बाद बड़ा सर्कल लेना बड़े सर्कल का क्वाड कौन सा है एबी और परपेंडिकुलर कौन है ओएम लिखना ओएम परपेंडिकुलर एबी है थ्योरम का नाम लिखना बाइसेक्ट होता है क्वाड तो एएम और एमबी क्या होंगे इक्वल बस इतना मेन चीज सर लेकिन शो दैट टू अलग है तो ये एएम का मतलब लिखना बताओ एएम का मतलब क्या होता है एपी प्लस पीएम और एमबी का मतलब क्या होता है एमक्यू प्लस क्यूबी हो गया उसके बाद पीएम और एमक्यू दोनों कटते हैं क्यों कटते हैं क्योंकि दोनों क्या है सेम तुम डायरेक्ट भी काटते ना तो भी चलता बस इतना लिखना फ्रॉम वन कर कोई भी साइड में दोनों इक्वल रहे तो काटना जैसे कि देखो ये z प्लस y है और इधर में क्या m प्लस y है पता है दोनों साइड में कौन है y y कैंसिल तो क्या होगा दोनों साइड के इक्वल टर्म हमेशा काटने चाहिए ठीक है ना दोनों साइड के एक साइड के नहीं तो बस हाँ 3 प्लस x प्लस बताओ ये x x कटेगा क्या नहीं ये x x का है एक साइड में एक साइड वाला कटता नहीं एक्स प्लस एक्स क्या होगा टू एक्स हाँ अगर यही एक्स अगर अलग अलग साइड में होगा तो क्या होगा दोनों साइड के इक्वल टर्म कैंसिल कैसे नहीं करना है तो मत करो कैंसिल तुम्हारी इच्छा सर हम नहीं करेंगे कैंसिल तो मत करना ये एक्स को इधर लाओ ये वाई प्लस है बताओ प्लस एक्स इधर आया तो क्या होगा माइनस एक्स फिर कटता है कटेगा तो ना प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल या तो एक साइड में लाकर काटो उससे अच्छा है कि अलग अलग साइड में ना काट लो बच्चा कौन y इक्वल टू अब कोई कोई स्टूडेंट क्या है यहाँ पे काटना चाहिए तो काटते नहीं यहाँ पे कटता है पर एक से नहीं काटते तो वो क्या करेंगे ऐसा करेंगे प्लस एक्स को इधर लाओ माइनस एक्स तो बचा कितना जेड प्लस एक्स माइनस एक्स हो गया तो एक से तो कटना चाहिए तो उससे अच्छा एक साइड में लाने से अच्छा अलग अलग साइड में काट दो ना वही मैं कर कह रहा हूँ पीएम और एम क्यू कह दोनों सेम तो दोनों सेम तक काट दो सो दैट आ गया अब किसी को नहीं समझता भाई तो इसलिए मैंने क्या किया एम क्यू की जगह पीएम लिखा क्यों लिखा सर एम क्यू की जगह पीएम लिख सकते क्योंकि क्या है वो इक्वल है तो फ्रॉम वन लिखना
वन में दिया है कि एम क्यू पी एम इक्वल है, तो एक देखो अगर दो स्टूडेंट इक्वल है तो एक की जगह दूसरे को भेज सकते हैं। दो स्टूडेंट इक्वली टैलेंटेड है, एक स्टूडेंट को सेमिनार में भेजा, एंड टाइम पे उसकी तबीयत खराब होगी तो किसको भेजेंगे? उसके जैसा इक्वली टैलेंटेड को ही भेजना पड़ेगा। जैसे क्रिकेटर अब जरूरत है, बैट्समैन जबरदस्त प्लेयर है, एक आउट हो गया तो उसके जैसा इक्वली बैट्समैन को ही भेजेंगे, जरूरत है, बराबर है, सेम एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। तो कहने का मतलब ये दोनों सेम है, तो ये एम की जगह पीएम लिख सकते हैं। और अब बताओ दोनों साइड के पीएम कैंसिल, एपी इक्वल टू पीपी शो दैट। लेकिन किसी को ये भी नहीं समझा तो भाई सीधी सी बात है, चलो इसको इधर लेके आओ, प्लस में इधर आया तो क्या होता है माइनस, बचा कौन क्यू बी, बताओ पीएम पीएम कैंसिल, प्लस में माइनस में क्या आया शो दैट, ऐसा हो। तो ये इतना सिंपल है शो दैट। कौन सा ये कौन सा क्वेश्चन कौन सा है सिक्स, हाँ पॉसिबल फोटो का वीडियो कॉम फोटोग्राफ किस